जी, मेरा नाम जनार्दन सिंह यादव है। मैं जन शिक्षण संस्थान में निदेशक के पद पे काम कर रहा हूँ। जन शिक्षण संस्थान एक बहुआयामी प्रशिक्षण संस्थान है जो समाज के सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े युवक युवतियों को, जो 15 से 45 आयु वर्ग के लोग हैं, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दे करके स्वरोजगार की तरफ बढ़ाता है। जन शिक्षण संस्थान की स्थापना 1967 में हुई थी। पहले इसका नाम श्रमिक विद्यापीठ हुआ करता था। 2000 में माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने इसका नाम जन शिक्षण संस्थान किया। इस समय पूरे देश में 303 जन शिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। बरेली में जन शिक्षण संस्थान की स्थापना वित्तीय वर्ष 2007-08 में हुई। जन शिक्षण संस्थान का मुख्य कार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं। कम पढ़े लिखे का तात्पर्य ये है कि तीन शब्द आते हैं, एक नौ साक्षर होता है, एक अर्ध साक्षर यानी कम पढ़े लिखे लोग, नौ साक्षर तथा कक्षा 8 पास तक के लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देता है। साथ में उनको जागरूक करने का प्रयास करता है कि आप कैसे जो है अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। उसके लिए जितने भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, जिस तरह बैंकिंग है या आपका नाबार्ड है या खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है या GIC है, जिला उद्योग केंद्र, इनके माध्यम से उनको लोन दिलवाने का भी प्रयास करता है। देने का लाइफ इन्वेस्टमेंट एजुकेशन होता है, जीवन उपयोगी शिक्षा, यानी अपने जीवन में कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में भी उन केंद्रों पे उनको जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। साथ में जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिवस हैं उन पे जागरूकता विषय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, ताकि वो लोग राष्ट्र के बारे में जानें, उस दिवस की उपयोगिता के बारे में जानें। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 6 मंथ से लेकर के मैक्सिमम 6 मंथ की होती है, 3 मंथ्स की भी होती है। 2 टर्म में एग्ज़ाम होते हैं, एक मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, एक फाइनल एग्ज़ाम होता है। फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद भारत सरकार के द्वारा उनको एक सर्टिफिकेट भी दी जाती है। व्यवसाय का प्रशिक्षण से संबंधित यह है कि भारत सरकार का दिशा निर्देश है कि अधिकतम महिलाओं को जो है आप आगे लाएं, तो देन फीमेल ओरिएंटेड कोर्सेज जो है ज़्यादा चलते हैं। जिस तरह से आप समझिए कि कटिंग, टेलरिंग या ड्रेस मेकिंग, डिजाइनिंग एंड एम्ब्रॉयडरी है, ब्यूटी कल्चर एंड हेल्थ केयर है, पिकल्स में है, देन ये जरी जरदोजी आरी वर्क बरेली का मशहूर कोर्स है, देन जो है फूड प्रिजर्वेशन है, जूट क्राफ्ट्स में है। इस तरह के कोर्सेज हम ज़्यादा चलाते हैं। मेल ओरिएंटेड कोर्सेज में आपका यहाँ का सबसे अच्छा जो है कारपेंट्री का है, देन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस वायरिंग, इस तरह के कोर्सेज पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं डॉक्टर पोपटराव मोहिते हूँ। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। भारतीय युवा शक्ति मंच, जो हमारा ये राष्ट्रीय स्तर का NGO है, वो गए 30 सालों से भारत में उद्यमी निर्माण करने का काम कर रहा है। आज का जो प्रशिक्षण है उसको मेंटरिंग इंडिया प्रोग्राम के तहत हम ले रहे हैं, ताकि ये जो भी जन संस्थान के जो यहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं उनके लिए ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। ये 2 दिन का प्रोग्राम है, जहाँ की हम ग्राउंड लेवल पे किस तरह का मेंटरिंग करना चाहिए, ये कौशल्य विकास उनके बारे में होना है, और ये विकास जब होगा तो जन संस्थान की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उनके विजन और मिशन के तहत से ये काम वो आगे जाके ये इंस्ट्रक्टर करने वाले हैं, और इसमें हम मेंटरिंग किस तरह से करना है, क्योंकि कॉरपोरेट का मेंटरिंग अलग होता है, एजुकेशन का मेंटरिंग अलग होता है। जब उद्यमी मेंटरिंग की बात होती है तो उसके लिए VYST ने एक अच्छा सा प्रोग्राम 2017 से चालू किया है, और अभी तक ये हम चालू करें, पहले उसके हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी लेते हैं, लेकिन मेंटरिंग का प्रोग्राम जो हमारा है ये अब तक हमने पेंडेमिक में ऑनलाइन किया है, अभी हम फेस टू फेस भी कर रहे हैं।